सो गाइज फाइनली 15 दिनों बाद वीडियो बन रही है, बहुत बड़ा गैप हो गया। बट गाइज अब तो एग्ज़ाम्स पोस्टपोन हो गए हैं, 2 महीने 2.5 महीने अब आगे चले गए हैं, और इसलिए मैं मतलब आपको कोशिश करूँगा कि आपको मतलब 2-3 दिन बाद आपको एक नई वीडियो देने की कोशिश करूँगा। और अब ऐसी सपोर्ट बनाए रखना, पिछली वीडियोज़ पे काफ़ी अच्छा सपोर्ट देखने को मिला है मुझे, और चैनल की ग्रोथ में वीडियो नहीं डाल रहा था तभी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। मतलब हमारे 1500 सब्सक्राइबर्स, हम बहुत क्लोज है, जाके सब्सक्राइब कर दो अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो, अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो सब्सक्राइब करो नीचे जाके। सो गाइस एंड्रॉयड 12 पे मैं वीडियो बनाना नहीं चाहता था क्योंकि मुझे लग रहा था कि काफ़ी ज़्यादा सिमिलर एंड्रॉयड 11 से, काफ़ी कुछ ज़्यादा कुछ नया नहीं आया है इसमें। बट अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा है क्योंकि इसका डेवलपर प्रीव्यू 2 आ चुका है जो थोड़ा सा मुझे अच्छा लगा। सो सबसे पहले मैं आपको इसके मेन फीचर्स बता दूँ कि एंड्रॉयड 11 से लेकर एंड्रॉयड 12 में क्या नए फीचर्स आए हैं। तो सबसे पहला जो हमारा फीचर है वो है हमारा डबल टैप गेस्चर। तो आपको पता ही होगा, मैंने आपको इसके बारे में पहले भी बताया हुआ है कि टैप टैप गेस्चर इसका एक ऐप आता है, उसको ये मतलब इंटरनली इंप्लीमेंट कर देंगे, मतलब अंदर ही आपको देखने को मिलेगा। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है ये, और मतलब आपको काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट है ये और मज़ा आएगा आपको। आईफोन्स में भी अभी iOS 14 में आया था तो उसी की कॉपी की जा रही है, तो ये काफ़ी चीज़ यूज़फुल हो सकती है अगर आप इसको यूज़ करना चाहें तो। अगली चीज़ जो नई आने वाली है वो आपके एंड्रॉयड अपडेट्स आपको काफ़ी ज़्यादा सीमलेस देखने को मिलेंगे आपको, और आप प्ले स्टोर से भी अपडेट डाउनलोड कर सकते हैं ऐसे भी सुनने को आ रहा है, क्योंकि काफ़ी अच्छी चीज़ है, मतलब मज़ा आ जाएगा ऐसे तो, और सभी को एक ही साथ अपडेट देखने को मिलेंगे, ये भी मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ लगी। सो हाँ, आपको अपडेट्स में भी काफ़ी अच्छा अपडेट देखने को मिलने वाला है। अगली चीज़ की बात की जाए तो आपको कस्टमाइजेशन में और भी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी। आपको थीमिंग सिस्टम देखने को मिलने वाला है जिसमें आप काफ़ी ज़्यादा कलर्स को यूज़ कर सकते हो, और थीमिंग में आपको काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिली है, काफ़ी आप आइकन्स वगैरह आपको और भी सपोर्ट देखने को मिला है, और अपने टेक्स्चर्स वगैरह आप चेंज कर सकते हैं, कलर्स वगैरह नोटिफिकेशन पैनल के काफ़ी कुछ कर सकते हैं, मतलब कस्टमाइजेशन आपकी काफ़ी इंक्रीज़ होने वाली है एंड्रॉयड 12 में, जो कि मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ लगी। अगली जो चीज़ है मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ लगी ये हमारे पीसीज वगैरह में होती है, ये है हमारी यूनिफाइड API। सो गाइस ये होता क्या एक्चुअल में, तो जैसे आपने स्प्लिट स्क्रीन रखा हुआ है, ऊपर आपका क्रोम चल रहा है, नीचे आपकी फ़ोटोज़ चल रही है, आपने फ़ोटोज़ को टच करके रखा और वो ड्रैग होने लग जाएगी, और ड्रैग करके आपने क्रोम में फेंक दिया तो वो क्रोम में पेस्ट हो जाएगी आराम से। तो मुझे ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ लगी, आप ऐसे टेक्स्ट पे भी कर सकते हैं, जैसे आपने व्हाट्सअप और इंस्टाग्राम चलाए हुए हैं, आपने यहाँ पे किसी ने आपको नंबर भेजा व्हाट्सअप पे, आप उसको टच एंड होल्ड करके ऐसे ड्रैग करके इंस्टाग्राम पे डाल दें तो मस्त आपका उधर चला जाएगा, इधर से उधर हो जाएगा आराम से, बहुत ही सही चीज़ लगती है ये, पीसीज में होता है, बहुत ही मस्त मज़ा आ जाएगा ये यूज़ करके। तो गाइस काफ़ी लोगों का क्वेश्चन ये भी होगा कि MI A3 जिस पे मैं काफ़ी ज़्यादा वीडियो बनाता था पहले, अब तो मेरा प्राइमरी डिवाइस मैंने चेंज कर दिया है, तो MI A3 अभी भी है बट पापा यूज़ करते हैं, तो उस पे एंड्रॉयड 12 आएगा कि नहीं आएगा? तो मैं आपको बता दूँ कि नहीं आएगा, क्योंकि उसको 2 ही सपोर्ट देने थे, एंड्रॉयड 10 का और एंड्रॉयड 11 का। उसके बाद उन्होंने कहा था कि 1 साल के बाद सिक्योरिटी पैच अपडेट आपको देखने को मिलेगा। अब उसमें सिर्फ सिक्योरिटी पैच अपडेट्स आएंगे 1 साल के लिए, मतलब अगले साल 2022 तक आएंगे, बट उसके बाद आपको कोई भी सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा उस फ़ोन में, तो थोड़ा सा सैड है। बट गाइस आप उसमें फ्लैश कर सकते हैं अपनी रोम्स वगैरह, बट वो थोड़ा सा रिस्की होता है, मैं आपको नहीं कहूँगा कि करो, बट जिसको करनी है वो तो कर ही लेगा, तो ऐसा कुछ सीन है। सो गाइस डेवलपर प्रीव्यू 2 में काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं, तो आपको मैं वो बताने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहला जो चेंज है वो आपका पिक्चर एंड पिक्चर मोड में आने वाला है। पिक्चर एंड पिक्चर मोड आपको पता है कि आपकी एक फिक्स स्क्रीन होती थी, इतनी सी बन जाती थी, उसको टच करो तो थोड़ी सी बड़ी हो जाती थी, बट आप उसको आप पिंच करके जितना मर्जी आप बड़ा कर सकते हैं, जितना मर्जी आप छोटा कर सकते हैं, तो ये आप पे डिपेंड करता है, और उसको अगर आप साइड पर ड्रैग कर दोगे तो वो साइड पर इतना सा बन के रह जाएगा, तो मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ लगी है। आपको न्यू विजिट UI देखने को मिलने वाला है जो कि काफ़ी अच्छा है, मतलब काफ़ी सालों से सेम ही विजिट UI चल रहा था एंड्रॉयड सिस्टम में, तो मतलब काफ़ी अच्छी चीज़ लगी मुझे एंड्रॉयड UI को इन्होंने चेंज करा। तो अब आपको नई तरह से सारे विजिट्स जो है अरेंज दिखेंगे, और आप अच्छे से अपना यूटिलाइज कर सकते हैं विजिट्स वगैरह को। विजिट्स पे iOS की वजह से ही ध्यान दिया जा रहा है, जो कि मुझे काफ़ी सही चीज़ लगी मतलब। और आपको नई चीज़ देखने को मिलने वाली है वो है 1-Handed Mode, जो कि मतलब फिर से iOS की कॉपी है। नीचे से आपको जहाँ पे आपका वो होगा बार, उसको आपको हल्के से ड्रैग कर रहे तो आपका 1-Handed Mode आ जाएगा इसमें, पर आपको और भी एनहेंस्ड है। इसमें आपको टाइमर भी देखने को मिल जाएगा कि आप 8-12 मतलब ऐसे सेकंड्स के लिए कर सकते हैं कि वो अपने आप ही फिर फुल मोड पे चला जाएगा। मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ लगी, इसको इम्प्लीमेंट पहले कर देना चाहिए था, बट आपको पता ही ना कि iOS के चक्कर में जब वो करेगा तभी हम करेंगे, बहुत चक्कर है इनका। सो गाइस पहले जो हमारा डार्क मोड था उसमें प्योर ब्लैक था एंड्रॉयड 11 में, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था, बट इन्होंने डार्क ग्रे कर दिया जो कि मेरे को बहुत बेकार लग रहा है। तो अगर इनको फीडबैक चाहिए तो मैं आपको बोलना चाहूँगा कि इसको प्लीज़ फिर से डार्क ब्लैक कर दीजिए, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा मतलब प्योर ब्लैक कर दीजिए, जो AMOLED डिस्प्ले पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता था, तो डार्क ग्रे बहुत बेकार लगता है डार्क मोड में।
सो गाइज आपको लॉक स्क्रीन में न्यू मीडिया प्लेयर UI भी देखने को मिलेगी जो कि काफ़ी सुंदर लगती है देखने में, बिल्कुल बीचों बीच आ चुकी है, पहले थोड़ी सी ऊपर थी। और आपको काफ़ी सारे न्यू एनिमेशन देखने को मिलेंगे इसी पे, मतलब जब आप प्ले पॉज करते तो नए नए एनिमेशन आए हुए हैं इसमें, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ लगी। और जो आपका 3D टच था जैसे iPhone में जो इन्होंने पहले कॉपी कर लिया था, उसको और इम्प्रूव कर दिया गया। जो आपके टैब्स वगैरह होंगे वो ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे, ज़्यादा आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे, आप ज़्यादा कुछ कर सकते हैं जब आप 3D टच करते हैं किसी भी एप्लीकेशन को। तो मुझे ये भी काफ़ी चीज़ लगी, और अरेंजमेंट भी किया उन्होंने थोड़ा UI में थोड़ा सा बदलाव किया, तो मुझे काफ़ी सही चीज़ लगी। सो गाइस जो अगली चीज़ है ये डेवलपर प्रीव्यू 2 पे वो आई है, जो आपके जो आप अपना ग्रिड साइज है वो आप अपना चेंज कर सकते हैं एप्लीकेशन का, जो कि मतलब काफ़ी अच्छी चीज़ है। जैसे आपका 4x4 का मतलब आपने लगाया हुआ है, वैसे तो आप जितने मर्जी कर सकते हैं, बट जो आपकी लाइन थी उसमें सिर्फ 4 या 5 ही आते थे मेरे ख्याल से, बट आप जितने मतलब आपको और भी काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, आप 6, 7, 8 भी कर सकते हैं, जो कि मुझे काफ़ी सही चीज़ लगी। और भी काफ़ी छोटे छोटे मतलब नए फीचर्स आए हैं, जैसे कि आपके जो आपका अगर आप कोई थीम सेलेक्ट करते हैं, जैसे कि आपको मैंने पहले बताया था कि थीमिंग सिस्टम आया है इसमें, तो इसमें आपको अगर कोई भी थीम सेलेक्ट करते हैं तो आपका जो पूरे UI होगा ना फ़ोन का, वो उसी थीम के बेस पे चला जाएगा। जैसे एग्जांपल की तरह आपको मैं बता दूं कि अगर आपने ग्रीन सेलेक्ट किया थीम में, तो आपकी जो काफ़ी सारे नोटिफिकेशन पैनल है उसमें भी हल्का सा ग्रीन टिंट आएगा, सेटिंग्स में भी हल्का सा ग्रीन टिंट आएगा, लॉक स्क्रीन में भी हल्का सा ग्रीन टिंट आएगा, काफ़ी मैचिंग हो जाएगा सब कुछ, तो बहुत ही सही लगेगा ये चीज़, तो मुझे काफ़ी चीज़ अच्छी लगी है। और आपको नए पिन और आपके जो पैटर्न के एनिमेशन होते हैं वो आपको चेंज देखने मिलेंगे, काफ़ी सालों से सेम चल रहे हैं बट अब आपको चेंज देखने मिलेंगे, काफ़ी सही लगते हैं ये, थोड़े से मोटे वगैरह कर दिए गए हैं, तो मुझे काफ़ी सही चीज़ लगी। अब आपको स्क्रीनशॉट पे भी काफ़ी सारे ट्वीक्स देखने को मिलेंगे। स्क्रीनशॉट आपको मतलब आप ड्रैग करके, आपको पहले क्रॉस दबाना पड़ता था हटाने के लिए उसको, अब आप ड्रैग करके हटा सकते हैं, और आपको अब नए रोलेबल स्क्रीनशॉट का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि MIUI, Realme UI वगैरह में काफ़ी ज़मानों से देखने को मिल रहा है, बट अब Android 12 में आया है तो मतलब नेटिव सपोर्ट आया अब, तो मुझे काफ़ी सही चीज़ लगी अभी। और जो छोटे मोटे चेंज है वो आपके नोटिफिकेशन पैनल पे है, उसकी जो स्पेसिंग है वो बढ़ा दी गई है, आप ज़्यादा ऑर्गेनाइज लगते हैं, ज़्यादा क्लीन लगता है, जो कि मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ लगी। सो गाइस ये थे हमारे थोड़े बहुत फीचर्स Android 12 के, आगे और भी आने वाले क्योंकि अभी डेवलपर प्रीव्यू चल रहा है। अभी डेवलपर प्रीव्यू के बाद आपको बीटा टेस्टिंग देखने को मिलेगी, बीटा के बाद आपको स्टेबल आएगा, मतलब काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा आपके फोन में आने में। सो गाइस ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, हो सके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, हम बहुत क्लोज है 1500 सब्सक्राइबर्स के, जो कि मेरा गोल था मतलब 6 महीने का, बट अभी 4th महीना चल रहा है, शुरू नहीं मिड हो गया 4th महीने का, तो मतलब 100 सब्सक्राइबर्स रह गए, तो कर सकते तो कर दो, मेरे को बहुत मतलब मजा आ जाएगा। सो मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, बाय। Baby up with a slow motion crew, and we up in our growlings when people change.